हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस माइटी लेजेंड की बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसको रिस्टोरेशन कराया हमने और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट डाली थी कि ये कौन सी बाइक है, मतलब कि जब ये रिस्टोर नहीं हुई थी, टैंक वैंक नहीं लगा हुआ था इसका पूरा। ठीक है, तो भाई ये RX 100 नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये RX 135 है। ठीक है, ये देख लो, नीचे लिखा हुआ है 132 cm³ लिखा हुआ है, वो भाई इग्नोर करना, 135 ही है ये। ठीक है, RX 100 नहीं है, ये RX 135 है। RX 100 की बैचिंग इसलिए लगा रखी है क्योंकि भाई इसका ना वो नहीं मिल रहा था, RX 100 135 की बैचिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए ये वाली बैचिंग लगा रखी है। ठीक है, और भाई बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं बताऊंगा आपको आफ्टर मार्केट क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या हमें नहीं मिला अभी तक इसका। ठीक है, और कई चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आपको, कितने पैसे लगे, कितना टाइम लगा रिस्टोरेशन करवाने में। ये RX 100 और 135 सेम सी है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 135 थोड़ी हायर सी सी में आती है, 100 थोड़ी नीचे में आती है। वैसे ठीक है, दोनों ही बाइक तगड़ी है, मैं साउंड भी सुनाऊँगा आपको इसका कैसा है। ओके, तो भाई ये देखो, इसमें ना इंडिकेटर्स वगैरह सब इसके ही लगे हुए हैं यार, 135 की। ठीक है, मीटर इसका RX 100 का लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 135 का मिल नहीं रहा था, वैसे सेम सा ही आता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ओके, और ये मैंने हज़ार लाइट भी लगवा रखी है इसमें, ये देखो। ठीक है, दिख रही होगी आपको। ओके, और मतलब पहले ये डट बाइक में थी, मैं फ़ोटो लगा दूंगा इसकी, ऐसी बाइक थी ये डट में। ओके, दिख रही होगी अभी आपको फ़ोटो। और मेरे चैनल पे इसकी पहली भी वीडियो थी कि मैंने इसमें इसको डट बाइक में, मतलब आगे किसी ने डट बाइक में इसको क्यों कन्वर्ट करवाया था, कोई रीज़न थे उसके पीछे। ओके, और डट बाइक में भी बहुत तगड़ी थी भाई ये, मतलब भाई कैड एकदम फर्स्ट सेकंड गियर में इतनी अच्छी भगती है ना भाई, उठ जाती है आगे से, पूरी बम्प मारती है आगे से। ठीक है, और बैकफायर वगैरह भी देती है, लेकिन अभी इसमें स्टॉक लगा हुआ है पूरा, इसको आपको DB किलर हटाना पड़ेगा बैकफायर वगैरह के लिए, तब जाके ये बैकफायर वगैरह मारेगी। और दिखने में ना बहुत शानदार है भाई, और पब्लिक रिएक्शन तो इसके ऐसे आते हैं ना, नंबर प्लेट अभी नहीं लगवाइए, लगवाएंगे। और यामा मतलब सीट्स वगैरह से लेके टैंक वगैरह सब कुछ चेंज है भाई, सब कुछ नया लगवाया है इसके अंदर। ओके, और जो भाई मतलब कि इंजन का काम इसका हमने करवाया था, ठीक है, कंप्लीट, क्योंकि का काम करवाना बहुत जरूरी था। जब ये डर्ट बाइक थी ना भाई, जब डर्ट बाइक में इसको कन्वर्ट कर रखा था, तो इसमें मतलब क्या है, काफ़ी स्टंट वगैरह और मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह काफ़ी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या है, इंजन में काफ़ी डैमेज हो गया था, पिस्टन वगैरह, तो पिस्टन वगैरह लगवाए थे इसका, इतना बड़ा तो पिस्टन आता है सिर्फ। ओके, और मतलब कि भाई सब कुछ कंप्लीटली चेंज है, टायर्स को छोड़ के, क्योंकि टायर वही डर्ट वाले बाइक वाले हैं, इसमें पीछे वाला भी देख सकते हो आप, क्योंकि भाई वही अच्छा लगता है, ये देखो। ओके, है ना, और भाई पब्लिक रिएक्शन तो इतने भर भर के आते हैं ना, मेरे को भाई 4 से 5 महीने लग गए इसको करवाने में कंप्लीट। ठीक है, और मेरे फादर हैं, उन्होंने ही करी है ये कंप्लीट पूरी रिस्टोरेशन। और हमारी और भी रिस्टोरेशन की वीडियो मैं आपको लिंक में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, देख लेना आप। मैंने यजदी और भी खूब सारी गाड़ियाँ हैं यार, आप देख लेना, उसमें मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन कौन सी गाड़ियों की रिस्टोरेशन करी थी हमने रिसेंटली। ओके, यजदी थी और एक RX 100 थी। ओके, जो उसी मतलब कि मतलब उसको डट बाइक में कन्वर्ट करवाया था, और ये मतलब ये वाला सिस्टम था पूरा। ठीक है, और भाई भाई जो सीट थी ना वो भी कटवा रखी थी, पहले वाली जो सीट थी ना वो यहाँ तक कटवा रखी थी डट बाइक बनाने के चक्कर में, तो सीट भी नहीं लगवाई है पूरी कम्प्लीटली। 4 से 5 महीने भाई फादर को लग गए इसको रिस्टोरेशन करने में कंप्लीट। ठीक है, और अभी भाई इसमें वन डाउन, बाकी सारे अप गियर्स हैं, वही वाला सिस्टम है सारा। ओके, और पब्लिक रिएक्शन तो भाई इतने प्यारे आते हैं ना, इसकी एक पब्लिक रिएक्शन की भी वीडियो आएगी जल्दी जल्दी, मैं लाने की कोशिश करूँगा पूरी। ओके, और इसकी साउंड भी सुनाऊँगा आपको। और भाई इसको ना कम्प्लीट करने में 40 से 50 हज़ार लग गए पूरे कम्प्लीट करने में। ओके, अब मैं इसको साउंड सुनाता हूँ एक बार आपको, देखना भाई इसकी साउंड सुनना आप। ऑन कर दिए, गियर में तो नहीं है ना, तो भाई ये इसकी ऐसी कुछ साउंड है। ये इसकी ऐसी कुछ साउंड है, ठीक है, और ऐसा नहीं है भाई बंद हो जाती है, बंद नहीं होती, स्टार्ट है बस। बस ना हॉर्न थोड़ा सा लाइट है बहुत ज़्यादा, वो दिक्कत वाली चीज़ लगी मुझे। ठीक है, और यहाँ पे यामा की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और सीट के अंदर ना ये लोहे वाले जो है ना, ये पता नहीं ये किस चीज़ के लिए एग्जैक्टली मुझे भी। ओके, बैक लाइट इसकी कुछ आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, नंबर प्लेट यार अभी लगवानी है, और एक इसका पहले वाला साइलेंसर था, डट बाइक के लिए अलग साइलेंसर आता है ना, वो लगवा रखा था हमने, बट अभी ये वाला लगवा रखा है। और ये देखो, ये जाली है पूरी, ठीक है, ये कंप्लीट साइलेंसर भी नया है। ओके, और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट एड किट वाला जो है ना, ये सेक्शन चेंज नहीं हुआ, बाकी सब कुछ चेंज है गाड़ी के अंदर लगभग। ठीक है, RX 100 का ये मतलब पूरा भाई, मैं 100 बोल रहा हूँ, 135 है ना भाई, पूरा चेंज है। बीच में थोड़ी मिसिंग करने लग गई थी, उसका एक्चुअल रीज़न ये था कि इसके अंदर पंचर हो गया था। ठीक है, इसके अंदर पंचर हो जाता है ना, तो भाई मिसिंग करने लग जाती है, तो भाई इसलिए ना यहाँ इसको भी बदलना पड़ा। उसके बाद में गाड़ी में वही पिकअप वही जान आ गई वापस। ओके, और किसी को भी कुछ भी पूछना हो कि भाई
40-50 हज़ार मतलब इसको रिस्टोरेशन करने में पूरा लग गए हमारे, 50 ही मान लो आप मार्केट जॉब वगैरह सब मिला के, ठीक है। और किसी को भी कुछ पूछना हो कि भाई मतलब कहाँ से क्या करवाए हैं या रिस्टोरेशन करवानी है तो कहाँ कॉन्टैक्ट करें, तो भाई मैं मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का पूरा पूरा, ठीक है, जितना हो सके मैं ट्राई कर लूँगा। और भाई जिसको भी मतलब कोई भी चीज़ की मतलब पूछना हो ना कुछ भी चीज़ की, भाई हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये दिक्कत आ रही है हमारी गाड़ी में, तो भाई पूछ लेना, मैं बता दूंगा जितना हो सकता है, सबको कवर कर दूंगा, ठीक है। और भाई ये कुछ ऐसा रिव्यू था RX 100 का, मतलब सॉरी यार मैं 100 बोल रहा हूँ बार बार, 135 का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। सिनेमैटिक शॉट्स भी डाल दूंगा मैं आगे, वो भी इन्जॉय करके जाना आप, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।